हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमुलेशन टेक्निक की। इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, टेक्निक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पेपर्स में, ऑपरेशन रिसर्च के पेपर्स में आती ही है। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक थ्योरी कंसेप्ट देख लेते हैं कि सिमुलेशन टेक्निक है क्या। सिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मॉडल ऑफ अ रियल सिस्टम। मतलब सिमुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने रियल सिस्टम का एक मॉडल डिजाइन करते हैं। मतलब हम अपने ओरिजिनल सिस्टम का एक डुप्लीकेट मॉडल प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद द मॉडल, ताकि हम उस डुप्लीकेट मॉडल में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकें। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसे हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा ओरिजिनल सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा। इन डिटेल, सिमुलेशन टेक्निक एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने ओरिजिनल सिस्टम को डुप्लीकेट सिस्टम में कन्वर्ट करके ये चेक करते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में ये रियल सिस्टम ऑपरेट करना शुरू करें तो हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, इससे हमें क्या रिजल्ट आएंगे, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि अगर हम ओरिजिनल सिस्टम ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हो सकता है कि वो हमारा सिस्टम जो है वो फेल्यूर हो जाए। इसलिए हम ओरिजिनल सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं, उसका एक डुप्लीकेट मॉडल बनाते हैं जिसमें सेम करेक्टर्स, सेम फीचर्स ओरिजिनल सिस्टम के जैसे ही होते हैं, ताकि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकें। अब ये सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है? दिस मेथड इज यूज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर डिफरेंट यूजेस। ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिमुलेशन टेक्निक को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक एज पर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस, बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सिमुलेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, अपने स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए, मींस फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए भी वो इस टेक्निक को यूज करते हैं। सो ये हमारे पास थ्योरी थी सिमुलेशन की। अब हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक की कुछ थ्योरी देखते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक है। इसकी थ्योरी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो थ्योरी आपकी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। इट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑन चांस। ऑन चांस का इधर मतलब है कि इसमें प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। प्रोबेबिलिटी के अलावा इसमें कुछ रैंडम नंबर्स यूज किए जाते हैं। अब रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, इनका कहां पर यूज होता है, वो हम प्रैक्टिकल में चेक करेंगे। एंड रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। फिर जब हम टेक्निक को यूज करके जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं उससे हम डिसीजन भी लेते हैं, इसका ये भी यूज है मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक का। सो इसकी थ्योरी में बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाली बात यही है कि इस टेक्निक में प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, रैंडम नंबर्स का यूज होता है, और उससे जो रिजल्ट आता है उसे हम डिसीजन लेते हैं कि हम इसको ओरिजिनल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें क्या ना करें। सो इस टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो ये जो 5 पार्ट्स हैं या 5 स्टेप्स हैं, यही हमारे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट होंगे। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं और उसमें एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं अब। सो ये है हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर हम उस स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग किसी पर्सन का नेम है, इज अ डेंटिस्ट, जो कि एक डेंटिस्ट है, हु स्केड्यूल्स ऑल हर पेशेंट्स फॉर 30 मिनट्स अपॉइंटमेंट। मतलब स्ट्रॉन्ग एक पर्सन जो कि एक डेंटिस्ट है, वो अपने पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट देता है 30 मिनट्स की फॉर सिंगल पेशेंट। सम ऑफ द पेशेंट्स
take more or less than 30 minutes depending on the type of the dental work to be done. कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 30 मिनट से ज्यादा भी लेते हैं और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 30 मिनट से कम टाइम भी लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क टू बी डन. द फॉलोइंग समरी शोज द वेरियस कैटेगरी ऑफ वर्क देयर प्रोबेबिलिटी एंड द टाइम एक्चुअल नीडेड टू कंप्लीट द वर्क. नीचे ये टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि कौन सी टाइप ऑफ कैटेगरी मतलब कौन कौन सा वो वर्क परफॉर्म करता है अपने क्लिनिक पे, कितना टाइम चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए, और हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स बताए हुए हैं कि फिलिंग के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं, क्राउन के लिए, क्लीनिंग के लिए, एक्सट्रैक्टिंग और चेकअप के लिए कितने पेशेंट्स उसके पास डेली आते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना वेरी इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट की बात नहीं है. लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं इस टेक्निक के अंदर उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन होती है. अगर गिवन नहीं है तो हम देख लेते हैं उसको कैसे करना है. इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐसा ही लिया है जिसमें प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. तो इसमें हमें जो गिवन है डाटा वो हमें गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट्स. सो इसमें हम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो फेवरेबल आउटकम है अपनी अपनी कैटेगरी के लिए, और जो टोटल नंबर होंगे पेशेंट्स के प्लस करने के बाद वो टोटल आउटकम्स होंगे. जैसे इसमें कितने हैं, 40, 15, 15, 10 और 20, ये 100 हमारे पास आ जाएगा. सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, जो टोटल आउटकम है वो है 100. फेवरेबल आउटकम फिलिंग के लिए कितनी होगी, 40. टोटल कितने हैं, 100. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ऐसे ही क्राउन के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितनी है, फेवरेबल आउटकम मतलब कि क्राउन के लिए कितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, 15 आउट ऑफ 100. 100 में से टोटल हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं 100, उसमें से क्राउन के लिए हमारे पास 15 आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. ऐसे ही इसकी भी आ जाएगी, एक्सट्रैक्टिंग की भी आ जाएगी और लास्ट चेकअप की भी आ जाएगी. सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो हमें फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करनी है वो मैंने अभी बता दिया. सो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है हम वो भी रीड कर लेते हैं. इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है सिमुलेट द डेंटिस्ट क्लिनिक फॉर 4 आवर्स. मतलब कि हमें 4 आवर्स के लिए, 4 घंटे के लिए हमें इस प्रोसेस को सिमुलेट करना है, उसकी अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है डॉक्टर्स की, एंड फाइंड आउट द एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज द आइडियलनेस ऑफ द डॉक्टर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट्स और आइडियलनेस ऑफ डॉक्टर. एज्यूम दैट ऑल द पेशेंट्स show up at the clinic at exactly their schedule. मतलब जितने भी patients उनके पास आते हैं वो time to time accordingly आते हैं. Arrival time starting at 8 AM. मतलब first जो patient आता है वो सुबह 8 बजे आता है. So इधर तक जो हमने पढ़ा है अब उसको implement करते हैं. इस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने कितनी देर के लिए simulation करने को कहा है, 4 hours के लिए कहा है. अगर हम statement में ऊपर जाएं तो हमें गिवन है कि एक पेशेंट को 30 मिनट्स तो लगते हैं, किसी को 30 से ज्यादा भी लगते हैं और किसी को 30 से कम भी लगते हैं. मतलब हमें हर एक को 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट तो देनी ही देनी है. 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट 4 आवर्स के लिए हमने सिमुलेट करना है, मतलब टोटल हम कितने पेशेंट्स देख पाएंगे, 8 पेशेंट्स. 30 मिनट्स एक पेशेंट के लिए, फिर 30 मिनट्स सेकेंड पेशेंट के लिए, 1 आवर हो गया, फिर 30 मिनट्स थर्ड पेशेंट के लिए, फिर 30 मिनट्स फोर्थ पेशेंट के लिए,
ये हमारे पास 2 आवर्स का हो गया, फिर 30 मिनट्स फिफ्थ पेशेंट के लिए, फिर 30 मिनट्स सिक्स पेशेंट के लिए, ये हमारे पास 3 आवर्स के लिए हो गया, फिर 30 मिनट्स सेवेंथ पेशेंट के लिए, फिर 30 मिनट्स लास्ट 8th पेशेंट के लिए, तो हमारे पास 4 आवर हो गया। इसका मतलब हम 8 पेशेंट्स के लिए ये सिमुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद। सो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप फुलफिल करने के बाद हमारे पास आता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव, जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मीन मीडियन मॉड में, वैसे ही प्रोबेबिलिटी की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। इजी स्टेप है, सिर्फ हमें ऐड ही करना है, सम अप करना है सबको। तो चलिए ये प्रोसेस भी हम डिफाइन करके बता देते हैं प्रैक्टिकल। सो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली थी जो कि मैंने फर्स्ट टेबल में बना ली है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। हमें करना क्या है, सिर्फ ऐड करते जाना है। जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास सेम जो फर्स्ट में गिवन है वही आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 0.40। अब जो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऐड करने के बाद आएगी, जो यहां पर वैल्यू आएगी उसमें हम ये ऐड कर देंगे। सो कर देते हैं ऐड, हमारे पास जो आएगा वो 0.55 आ जाएगा। अब इस 0.55 में हम क्लीनिंग की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.70। इसके बाद 0.70 में हम ये ऐड कर देंगे 0.10। अब लास्ट हम इसको ऐड कर देंगे 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, इधर भी 1 आएगा टोटल करके और ये क्यूमुलेटिव में 1 आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रैंडम नंबर का। सो सेकंड स्टेप हमने पूरा कर लिया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर ली। थर्ड स्टेप है सेटिंग रैंडम नंबर इंटरवल्स। अब रैंडम नंबर के इंटरवल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स तो हमें पता है, रैंडम का मतलब क्या है इसमें, रैंडम मतलब कि बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भेदभाव के हमें जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इंटरवल्स जो हमें देनी है, जैसे कि हम मीन मीडियन मोड में करते थे क्लास इंटरवल, वैसे ही हमें इसमें एक क्लास इंटरवल बनानी है जो कि रैंडमली होगी। सो चलिए अब हम इसमें इंटरवल्स बनाते हैं और सीखते हैं कि इंटरवल्स कैसे देनी है। ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हम जो क्लास इंटरवल देते थे वो हमारी डिपेंड करता है कि किस तरह की सीरीज होती थी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रैंडम नंबर्स दे देते थे मीन मीडियन मोड में। इसमें भी हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रैंडम नंबर्स डिसाइड करेंगे और उनकी क्लास इंटरवल डिसाइड करेंगे। क्लास इंटरवल आपको पता ही होगा, जैसे मैंने लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, इसको क्लास इंटरवल्स कहते हैं। जो ये वाली वैल्यू है वो इधर आती है, ये भी आपको पता ही होगा। अब इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो लास्ट डिजिट्स हैं 2, हमने इसको ध्यान रखना है अपनी रैंडम नंबर से सिलेक्ट करते हुए उनके इंटरवल के साथ। जो हमारी रैंडम नंबर है वो हमेशा 0 से शुरू होगी। जो इसकी इंटरवल है वो खत्म कहां पर होगी, उसके लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा 40। जो हमारे पास 40 है इससे एक वैल्यू नीचे होनी चाहिए जो हमारी क्लास इंटरवल होगी, मतलब हमारे पास 39 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि मीन मीडियन मोड में जो हमारी ये इंटरवल्स होती थी सेम होती थी, लेकिन इसमें सेम नहीं होगी, इससे एक ज्यादा होगी 40। अब ये हमारे पास 40 आ गया और लास्ट इंटरवल 55 से कम होना चाहिए, मतलब 54। अब 54 के बाद हमारे पास 55 आ जाएगा। जो हमारी लास्ट इंटरवल है वो 70 से कम होनी चाहिए, 69।
ऐसे ही 69 के बाद हमारे पास 70 आ जाएगा और लास्ट इंटरवल जो हमारी 80 से कम होनी चाहिए, तो 79। ऐसे ही 79 के बाद हमारे पास आ जाएगा 80। जो लास्ट इंटरवल है वो 100 से कम होनी चाहिए। अब इसमें जीरो नहीं, 100 कंसीडर करेंगे, 100 से कम 99। एक बार फिर बता देता हूँ कि रैंडम नंबर में हमने क्लास इंटरवल्स कैसे लगानी है। जो हमारे रैंडम नंबर है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी और डिपेंड करेगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के ऊपर कि हमारी लास्ट जो इंटरवल है वो कौन सी होनी चाहिए। 40 तो 40 से कम, 39। अब नेक्स्ट जो है वो 39 के बाद 40 आता है, तो 40 हमारी इंटरवल बिगिनिंग वाली होगी। जो एंड वाली होगी वो डिपेंड करेगी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की इन टू डिजिट्स के ऊपर। 55 है तो हम इससे एक कम लेंगे, 54। सो ऐसे ही हमारी पूरी क्लास इंटरवल बन जाएगी, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है सिमुलेशन टेक्निक में। सो आई होप आपको इधर तक ये थ्री स्टेप्स समझ आए होंगे, जो कि बेसिक थ्री स्टेप है। फर्स्ट हमारे पास थी प्रोबेबिलिटी, सेकंड हमारे पास थी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और थर्ड हमारे पास थी रैंडम नंबर। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेप देखते हैं और अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। सो जो हमारे पास थर्ड स्टेप करने के बाद फोर्थ स्टेप है वो है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर्स हम कैसे जनरेट करते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन के साथ रैंडम नंबर्स दिए होते हैं, तो हम वही रैंडम नंबर्स यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर रैंडम नंबर्स हमें नहीं गिवन तो उसका एक हिंट होता है जो कि हमें टेबल में गिवन होता है। आपको अगर रैंडम नंबर्स डायरेक्टली नहीं गिवन तो इनडायरेक्टली आपको एक टेबल दिया जाएगा जिसको यूज करके आप रैंडम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सभी क्वेश्चंस के साथ ये नंबर्स गिवन होते हैं, क्योंकि पेपर में कोई आपको टेबल नहीं प्रोवाइड करने वाला, इसलिए वो डायरेक्ट नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास सेकंड टेबल जिसमें हमने पेशेंट्स लिख लिए हैं 1 to 8, जो कि मैंने बता दिया था कि 8 पेशेंट्स कैसे बनते हैं। अब उनका स्केड्यूल अराइवल टाइम भी हमने लिख लिया है कि कब कब वो अराइव होंगे। सो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट सबको दी जाती है, तो अपॉइंटमेंट के हिसाब से जो हमारा क्लिनिक है वो 8 बजे सुबह शुरू होता है। 8 पेशेंट्स को कवर करते करते हमें 11:30 हो जाता है टाइम। सो हाफ हाफ आवर्स का जो हमारे पास इंटरवल है। अब रैंडम नंबर, ये जनरेटिंग रैंडम नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हमें लिखा हुआ था यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स फॉर हैंडलिंग द अबव प्रॉब्लम। 40, 82, 11, 34, 25, 66, 17 और 79। सो ये हमारे पास रैंडम नंबर गिवन है, हम इसको यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। ये रैंडम नंबर्स हमें सीरियल वाइज जैसे दिए हैं ऐसे ही लिखने हैं, क्योंकि ये हमें सीरियल वाइज ही दिए होते हैं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 40, 82, 11, 34, 25, 66, 17 एंड लास्ट 79। सो ये हमें रैंडम नंबर्स गिवन थे जो हमने एज इट इज लिख लिए, लेकिन फोर्थ स्टेप उसमें लिखा हुआ था जनरेटिंग रैंडम नंबर। अभी हमें जनरेट करने हैं, तो जनरेट कैसे करने हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो हमारे पास फर्स्ट पेशेंट जो 8 बजे आएगा उसका रैंडम नंबर, मतलब कि हमने बाइसनेस नहीं की, रैंडमली हमने पिक किया कोई नंबर जो हमारे पास 40 आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 40 नंबर हमारे रैंडम नंबर्स में कहाँ पर लाई करता है। सो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है उसमें हमारे पास 40 जो है वो इसमें लाए करता है, 40 to 54, जो हमारी कैटेगरी आती है, टाइप आती है क्राउन, मतलब जो हमारा फर्स्ट पेशेंट होगा वो क्राउन का होगा। सो हमारे पास ये 40 जो हमने रैंडमली पिक किया, फर्स्ट पेशेंट सुबह 8 बजे का टाइम, कैटेगरी कौन सी है, क्राउन। ऐसे ही हम सब में सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा नंबर किसमें लाए करता है। सो फर्स्ट हमारा 40 नंबर जो है वो इसमें लाए करता है, इस रैंडम नंबर में लाए करता है, तो हमने क्राउन को सिलेक्ट किया। सो इसमें हम कैटेगरी के नीचे लिख लेते हैं
क्राउन। अब उसका सर्विस टाइम क्या है ये हमें क्वेश्चन में पेपर में गिवन होगा, जो हमें भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें सभी का टाइम गिवन है। ऐसे क्राउन को कितना टाइम लगता है उसकी सर्विस कंप्लीट होने के लिए, 60 मिनट्स लगते हैं। तो हम लिख लेते हैं सर्विस टाइम 60 मिनट्स। ऐसे अब हम सेकंड को चेक करेंगे, जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो है 82। तो 82 किस में लाई करता है, लास्ट वाले में। सो चेकअप सेकंड पर्सन होगा हमारा, पेशेंट होगा। सो इसको कितना टाइम लगता है हम वो चेक कर लेते हैं। सो इसको लगते हैं 15 मिनट्स, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो इसके बाद जो थर्ड पेशेंट है उसका रैंडम नंबर है 11। सो 11 हमारा लाई करेगा इसमें। सो वो हमारा पर्सन होगा फिलिंग का, पेशेंट होगा फिलिंग का। अब फिलिंग को कितना टाइम लगता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो फिलिंग को लगते हैं 45 मिनट्स, इसको भी लिख लेते हैं हम 45 मिनट्स। ऐसे ही हम सबका प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ 34 किस में लाई करता है, फर्स्ट फिलिंग, अगेन हमारे पास फिलिंग का पर्सन आ जाएगा 34। 39 से नीचे है, 0 से ऊपर है, इसमें लाई करता है, तो फिलिंग हमारा नेक्स्ट पेशेंट होगा। सो अगेन उसको 45 मिनट्स लग रहे हैं। ऐसे हम बाकी भी कंप्लीट कर देते हैं। सो ये मैंने पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। सो ये हमारे पास पूरा टेबल आ जाएगा सेकंड। अब सेकंड टेबल बनाने के बाद हमें जो आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जो हमारे पास फिफ्थ स्टेप है वो आंसर फाइंड करने का ही स्टेप है। फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया, फिफ्थ है टू फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड यूजिंग द अबव फोर स्टेप्स। जो हमने फोर स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको यूज करते हुए हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, वो आंसर्स जो हमें क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वेटेड एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द पेशेंट्स, और उसके साथ पूछा गया था आइडलनेस ऑफ द डॉक्टर। सो हम थर्ड टेबल बनाते हैं जिसमें हम ये वाले आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे पास फाइनल टेबल फॉर आंसर्स, जिसमें हमने पेशेंट का कॉलम बनाया है, फिर अराइवल टाइम्स कि वो कितने बजे आते हैं सभी पेशेंट्स, फिर सर्विस स्टार्ट, फिर सर्विस ड्यूरेशन कि कितनी देर उनकी सर्विसेज होती हैं, फिर उनकी सर्विस एंड कब होती हैं, फिर उसके बाद हमारे जो दो आंसर्स हैं कि कितनी देर पेशेंट को वेट करना पड़ा और डॉक्टर का आइडलनेस टाइम कितना हुआ। चलिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जो फर्स्ट पेशेंट है वो 8 बजे आया, तो उसकी सर्विस 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसकी सर्विसेज 8 बजे पूरी स्टार्ट हो गई। तो जो फर्स्ट पर्सन की सर्विस ड्यूरेशन है वो हमने सेकंड टेबल में फाइंड आउट की थी। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेशेंट है उसकी सर्विस ड्यूरेशन, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 60 मिनट्स, मतलब पूरे 1 आवर। इधर हम 60 मिनट्स लिख लेते हैं। तो सर्विस उसकी एंड कब होंगी, पूरे 9 बजे, क्योंकि 1 आवर की उसको सर्विस चाहिए। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद मेन आंसर कॉलम, उसमें पूछा गया है कि वेट कितना करना पड़ा फर्स्ट पेशेंट को। तो फर्स्ट पेशेंट को तो वेट ही नहीं करना पड़ा, 8 बजे वो आया, 8 बजे उसकी सर्विस स्टार्ट हो गई, 9 बजे खत्म हुई है, तो इसको तो वेट ही नहीं करना पड़ा। अब इसकी सर्विस स्टार्ट कब होगी, अब डॉक्टर 9 बजे तक बिजी था, वो फर्स्ट पेशेंट को देख रहा था, इसलिए सेकेंड पर्सन को हाफ एन आवर वेट भी करना पड़ा और उसकी 9 बजे सर्विसेज शुरू भी हुई, मतलब 30 मिनट्स उसको वेट करना पड़ा। क्योंकि 8:30 पर सेकंड पेशेंट अराइव हो गया था लेकिन डॉक्टर फ्री नहीं था 9 बजे तक, तो उसको हाफ एन आवर वेट करना पड़ा 9 बजे तक। तो उसकी सर्विसेज 9 बजे स्टार्ट हुई, 30 मिनट्स उसको वेट करने पड़े। अब उसकी सर्विस ड्यूरेशन कितनी है, जो हमने टेबल में फाइंड आउट की है वो है 15 मिनट्स। तो इसका मतलब वो 9:15 पर उसकी सर्विसेज खत्म हो जाएंगी।
15 मिनट्स, उसकी सर्विस ड्यूरेशन और टाइम एंड कितने बजे होगा, 9:15 पर सर्विसेज खत्म हो जाएंगी। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है, क्या डॉक्टर फ्री हुआ एक भी मिनट के लिए? ना फर्स्ट में फ्री हुआ, क्योंकि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उसने फर्स्ट पेशेंट को देखा, फिर 9 बजे से लेकर 9:15 तक उसने सेकंड पेशेंट को देखा, अभी वो फ्री नहीं हुआ। अब जो थर्ड पेशेंट है वो 9 बजे आ गया, लेकिन डॉक्टर फ्री नहीं था, 9:15 पर वो फ्री हुआ। इसका मतलब थर्ड पेशेंट को 15 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा और उसकी सर्विसेज 9 बजे की बजाय 9:15 पर शुरू हुई। अब उसकी सर्विस ड्यूरेशन कितनी है थर्ड पेशेंट की? 45 मिनट्स। तो ये हम लिख लेते हैं 45 मिनट्स। तो इसको 45 मिनट्स लगे, 9:15 प्लस 45 मतलब 10 बजे वो सर्विसेज खत्म कर देता है थर्ड पेशेंट की डॉक्टर। तो उसको आइडल, क्या डॉक्टर फ्री हुआ एक भी मिनट के लिए? नहीं हुआ। अब फोर्थ पेशेंट 9:30 पर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर फ्री नहीं था 10 बजे तक, तो फोर्थ पेशेंट को हाफ एन आवर वेट करना पड़ा ताकि डॉक्टर फ्री हो 10 बजे और मैं अपनी सर्विसेज मतलब अपना जो पेन है वो दिखा सकूं। 30 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ा फोर्थ पेशेंट को। सो 10 बजे उसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई, स्टार्ट टाइम हमारे पास 10 बजे आएगा। अब फोर्थ पेशेंट की ड्यूरेशन कितनी है? 45 मिनट्स है। तो हम लिख लेते हैं 45 मिनट्स। इसका मतलब उसकी सर्विसेज एंड कब हुई? 10:45, क्योंकि 45 मिनट्स डॉक्टर को लग गए उसकी सर्विसेज कंप्लीट करने के लिए। 10 बजे वो आया तो फ्री कितने बजे हुआ? 10:45 पर। डॉक्टर फ्री नहीं था एक भी मिनट के लिए, तो जीरो। ऐसे ही फिफ्थ पेशेंट 10 बजे आ चुका था, लेकिन डॉक्टर फ्री नहीं था 10:45 तक। इसका मतलब फिफ्थ पेशेंट को 45 मिनट्स का वेट करना पड़ा। 45 मिनट्स का वेट उसने किया तो 10:45 पर उसकी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। अब फिफ्थ पेशेंट को कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स अगेन। सो हमारे पास आ गया 45 मिनट्स। अब 10:45 पर उसकी सर्विसेज स्टार्ट हुई और उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 45। तो उसको फ्री कब किया जाएगा? 11:30 पे। ऐसे हम अगला भी कंटिन्यू कर लेंगे। सो ऐसे ही अब हमने 6th, 7th और 8th का भी हमने फाइंड आउट कर लिया है वेटेड टाइम। डॉक्टर एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं हुआ, इसलिए सब में जीरो ही आएगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। सुबह 8 बजे से उसकी सर्विसेज शुरू हुई, 8 to 9, 9 to 9:15, 9:15 to 10, 10 to 10:45, 10:45 to 11:30, 11:30 to 11:45, 11:45 to 12:30, or 12:30 to 1:15। सो डॉक्टर एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं हुआ। पेशेंट्स को वेट करना पड़ा, वो कैसे फाइंड आउट किया वो भी मैंने बता दिया है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है वेटेड एवरेज टाइम ऑफ पेशेंट्स, एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज वेटेड टाइम कैसे आएगा, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो सबको पता है कि टोटल सम ऑफ ईच आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो हमारे पास जो टोटल आएगा इसका वो हम लिख लेते हैं, इसको प्लस करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो है 285। सो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ ईच आइटम आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी है? 8। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 35.625 मिनट्स। इसका मतलब वेटेड एवरेज टाइम 35.625 मिनट्स आया। अब डॉक्टर का आइडियल टाइम वो तो जीरो है, 0 मिनट्स। सो ये हमारे पास पूरा प्रॉपर आंसर है जो कि हमने 4 to 5 steps में कवर किया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया है, स्टेप वाइज समझ आया है, जितने भी स्टेप मैंने समझाए हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।